नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन हम कर रहे थे। लास्ट सेशन में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, ताकि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जिसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई और एसआई वहां पर पढ़ाया है कि इन दोनों का डिफरेंस आपका किस किस तरीके से होता है और कैसे कैसे हम इनको निकालते हैं। उस सेशन को कराने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको ये क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक सेशन मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का और दे दिया और अब आगे वाले सारे सेशन हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन होंगे। आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि कितने आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको वो कितनी जल्दी आपको वो सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ऑफ अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। तो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है और परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन होता है किस तरीके से होता है। आपका यहां पर दिया हुआ है प्राइस, यहां आपका दिया हुआ है कंजम्पशन, और आपका इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो ये आपका सीधा सा यहां पर रिलेशन होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन आपका यहां पर इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो अब अगर आपका यहां पर प्राइस के रेट बढ़ गए तो आपका यहां पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपसे कहा गया है आपको सेम बजट को सेम रखना है। तो अब आपको अपनी यहां पर कंजम्पशन यानी कि खपत को आपको यहां पर घटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्राइस और कंजम्पशन में यहां पर आपका रिलेशन होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर प्राइस आपका बढ़ेगा तो कंजम्पशन आपको घटानी पड़ेगी जब आपका यहां पर आपको सेम बजट रखना है। तो आपको यहां पर किस तरीके से करना है, ये आपने प्राइस को यहां पर कितना बढ़ाया, 25% आपने प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कि आपने प्राइस को 1/4 बढ़ा दिया। प्राइस अब 4 से बढ़कर यहां पर 5 हो गया। तो अब आपको कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपको कंजम्पशन आपको घटाना है तो ये वाला 5 आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 आपका नीचे चला जाएगा। अब आपका यहां पर हो गया प्राइस इंटू कंजम्पशन, अब जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बार आपका 20 आएगा, यानी कि अब आपका प्राइस आपने बढ़ा दिया, कंजम्पशन आपने घटा दिया, तो आपका यहां पर बजट आपका सेम रहा। पहले भी 20 रुपीज मान के चलिए, तो अब भी आपका 20 रुपीज आ गया। तो अब आपकी यहां पर कमी कितनी आई, कमी आपकी 1 की आई, तो 1 की कमी आपकी 5 पर आई, यानी कि आपका ये 20% के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जब आपका प्राइस 25% बढ़ जाता है और आपको कंजम्पशन घटानी है ताकि आपका बजट सेम रहे, तो आपको कंजम्पशन कितनी घटानी पड़ेगी, तो 20% आपको कंजम्पशन यहां पर घटानी पड़ेगी। प्राइस आपका 4 से 5 हो गया और कंजम्पशन आपका 5 से 4 हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, ये आपका ओल्ड है, ये न्यू है, तो न्यू वाला प्राइस आपका ओल्ड वाला कंजम्पशन बन जाएगा और ओल्ड वाला प्राइस आपका न्यू वाला कंजम्पशन बन जाएगा और आपका यहां पर बजट सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 408, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अपने सेशंस में करा चुका हूं। तो अगर आप कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे सेशन देख सकते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपको समझा दूंगा कि यहां पर आपको किस तरीके से करना है। तो आपका यहां पर जो दिया हुआ है, 2 साल का केस आपको यहां पर दिया हुआ है, ये आपने मान लिया फर्स्ट ईयर है और ये आपका यहां पर सेकेंड ईयर है। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट आपका पर ईयर बराबर रहता है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 2 साल का 400 रुपए दिया हुआ है, तो 1 साल का आपका यहां पर 200 रुपए हो जाएगा और यहां भी आपका 200 रुपए हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि अगर आप दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तब आपका यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 408 है, तो 200 200 और यहां पर आपका 8 रुपए और आ जाएगा, तो टोटल आपका 400 रुपए 408 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज यहां पर हो गया। अब ये 8 यहां पर आपका 200 का कितना परसेंट है, वही आपका रेट परसेंट यहां पर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आपका 8 जो यहां पर दिया हुआ है, 200 का कितना परसेंट है ये आपको निकाल लेना है।
तो ये जो 2-0 से 2-0 चली गई, 2 से ये चला गया 4 बार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर 4% पर एनम का आ गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आने वाला है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पिछले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द ट्राइंगल इफ ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 72 डिग्री, देन एंगल बी ए सी इज, यानी कि आपका यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका यहां पर ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी। तो ये आपके पास ए बी और सी आपका यहां पर ट्राइंगल है, जिसमें ए बी को ए सी के बराबर दिया हुआ है, यानी ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर है। और जब हमारी एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाती हैं, तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो यहां पर हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और जब ये दो साइड बराबर है तो इनके ये वाले एंगल भी आपके यहां पर बराबर हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब जो आपसे कहा गया है ए बी सी यहां पर 72 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी अगर ये 72 डिग्री है तो आपका ये वाला भी 72 डिग्री हो जाएगा, और आपके ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों मिलाकर आपके 144 डिग्री हो गए, तो अब आप इसको 180 में से घटाएंगे और आपका यहां पर 36 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे बीएसी पूछा गया था, जो आपका यहां पर 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको यहां पर एक एंगल दिया हुआ था, दो साइड बराबर दी हुई थी, और तीसरा एंगल आपसे पूछा था, तो आपने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल। तो यहां पर हम सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं एक सर्कल। ये हमने यहां पर एक सर्कल को बना लिया, और आपको यहां पर एक टेंजेंट बनानी है जहां आपका एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर आपका P दिया हुआ है। तो टेंजेंट आपकी क्या होती है? टेंजेंट आपके सर्कमफेरेंस से छूने वाली एक लाइन होती है, जो कि आपकी सर्कल को सिर्फ एक बार छू सकती है, और आपका यहां पर ये कितना आ गया, ये PQ यहां पर आपकी टेंजेंट आ गई। ये यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर सर्कल को छू रही है। विद द सेंटर O टचिंग द सर्कल Q, पी क्यू यहां पर आपका टचिंग सर्कल को टच कर लिया और सेंटर आपका यहां पर ओ हो गया। अब जो आपसे यहां पर कहा गया है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको यहां पर दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ये आपको यहां पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है। तो आपको पता है सेंटर से आप सर्कमफेरेंस तक जो भी दूरी बनाएंगे वो आपकी यहां पर रेडियस हो जाएगी। अब आपको यहां पर एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब आपने एक सर्कल लिया, उस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये आपकी टेंजेंट यहां पर बन जाएगी जो कि सर्कल को एक बार छूती हुई जा रही है, उससे जब आप सेंटर से उस पर एक डिस्टेंस डालेंगे तो ये आपकी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां पर आपने सेंटर से ये डिस्टेंस डाली तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अब ये आपका राइट एंगल बनकर तैयार हो गया। तो अब आपको याद होना चाहिए कि आपका एक ट्रिपल एट होता है 5, 12 और 13 का, तो 12 और 13 यहां पर दिए हुए हैं, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इतनी आसानी से आप यहां पर रेडियस को निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए थी कि रेड जो भी सेंटर से दूरी टेंजेंट पर डाली जाएगी, जो सर्कमफेरेंस को छूती है, वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और वही आपकी यहां पर रेडियस हो जाएगी। तो बस इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। तो यहां पर आपको सिर्फ देखना है, आपने यहां पर लिया cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री और ये आपने लिया cos 90 डिग्री। तो अब आप सोचेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता होती है, ना यहां पर आपको 10 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 50 डिग्री की वैल्यू पता है, और ना ही आपको 70 डिग्री की वैल्यू पता है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, अब ये सारी चीजें आपकी यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या देखना है कि
आपका छोटा सा यहां पर पॉइंट ये है कि कॉस 90 आपका जो होता है वो आपका यहां पर जीरो होता है, और जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करा लीजिए वो आपका यहां पर जीरो ही आना है। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था कि सिर्फ आपको ये देखना था कॉस की यहां पर 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सारा ही क्वेश्चन आपका यहां पर जीरो हो जाएगा। ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ 3 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 3 ( 1 - 2 / 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आपको जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको दो एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा आपका किस किस के बराबर होता है इतना आपको पता होना चाहिए था। एक कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² θ - 1, इक्वल्स टू एक बार कॉस थीटा 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² θ, और एक बार ये आपका किसके बराबर होता है cos² θ - sin² θ। तो ये आपका इन तीनों के बराबर होता है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको cos² θ - sin² θ और आपको 1 - 2 sin² θ दिया हुआ है। तो आपके ये दोनों cos² θ के बराबर हो जाएंगे, तो आप इनको सिंपली यहां पर काट सकते हैं। इनको आपने काट दिया और आंसर आपका यहां पर 3 निकल कर आ गया। तो इतना सा आसान सा क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ इसके लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि कॉस 2 थीटा आपका किस किस के बराबर हो सकता है और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाता, वरना आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता। और किस तरीके से सॉल्व करते आप सोच लीजिए, कितनी बड़ी टर्म यहां पर आपकी बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 7 and PQ = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ + Q³। तो आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, एक आपको पी प्लस क्यू दिया हुआ है जो कि 7 है, एक आपको पी क्यू दिया हुआ है जो कि आपका 5 है, और आपको PQ + Q³ आपको निकालना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले सेशन में भी कराया था जिसमें आपको PQ - Q³ निकालना था, और यहां आपको P - Q दिया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था ये कैसे निकल सकता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है P + Q³ जिसको आप लिख सकते हैं PQ + Q³ + 3 PQ और P + Q। बस इस इक्वेशन में आप अपनी वैल्यूज को पुट कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको यहां पर निकालना है, बाकी वैल्यूज आपको दी हुई है। तो P + Q³ यानी कि 7 का क्यूब आपका 343 होता है PQ, और ये आपको निकालना है। इसको हम मान लेते हैं ये आपका A हो गया, प्लस आपको 3 × 5 × 7, तो 7 × 5 यहां पर आपका कितना हो जाएगा 35, और 35 * 3 = 105, यानी कि अगर आपको A निकालना है तो 343 - 105, 13 में से 5 जाएंगे 8, 238 आपका यहां पर निकलकर आ गया। तो इसको करने के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि आपका यहां पर फॉर्मूला क्या होता है और आप आसानी से निकाल देते, वरना आपका एक फॉर्मूला और होता है, आपका फॉर्मूला होता है PQ + Q³ जिसको आप लिखते हैं P + Q, और यहां पर आपका P² - PQ + Q² फिर आप इसको सॉल्व करते, यहां से P² Q² निकालते, तब इसको सॉल्व करते, यहां पर वैल्यू पुट करते तो आपका आंसर आता, और यहां पर हमने डायरेक्ट अपना P + Q³ लगाया और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा, लेकिन पी क्यू वाली टर्म यहां पर आपकी माइनस हो जाती है, तो इतना आपको यहां पर ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ कार डीलर परचेज द कार फॉर 1,85,000 एंड स्पेंट सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 1,56,250, देयर बाय अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 125%, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार। तो यहां पर आपको दो प्राइस दिए हुए हैं, जो उसने खरीदा वो उसका यहां पर सीपी हो गया, और वो उसका सीपी कितना है 1,08,500, लेकिन इस पर उसने कुछ अमाउंट यहां पर एक्स प्लस किया और उसको यहां पर 25% के गेन पर बेच दिया,
तो यहां पर उसको 25% के गेन पर बेचा गया और वो 25% पर गेन पर बेचने के बाद 156,250 की वो चीज बिक गई। तो अब आपको 25% की वैल्यू यहां पर पता होनी चाहिए। 25% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, यानी कि चार की चीज पर आपको एक रुपए का फायदा हुआ है तो आपकी वो चीज 5 रुपए की बिकी, तो 5 की वैल्यू आपकी 1,56,250 हो गई। और अब आपको यहां से 4 की वैल्यू निकालनी है कि जितने की उसने वो आपकी यहां पर बनकर तैयार हुई, उसने यहां पर कुछ अमाउंट उस पर लगाया था वो अमाउंट यहां पर निकालना है, वरना आपका प्रॉफिट अगर यहां से निकालते तो सीधा यहां पर आपका प्रॉफिट निकल जाता। 25% ये इसका है नहीं क्योंकि यहां पर आपका कोई अमाउंट यहां पर ऐड किया गया। तो आपने यहां पर 4 की वैल्यू निकाल ली, 4 × 156,250 और इसको कर दिया 5 से डिवाइड, 5 से जाएगा 5 या 15, 5 × 5 5 × 10 5 × 5 25 और आपका यहां पर 0 आ गया। तो 4 की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी निकल कर आ जाएगी, 10, 5 × 4 = 20, 4 × 8 = 10, 4 × 4 और 1 = 5 और 4 × 3 आपका यहां पर 12 निकल कर आ गया। तो चीज आपकी 125,000 रुपए की बनकर तैयार हुई। तो आपने यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लगाया ये आपको बताना था। तो 125,000 को आपने यहां पर चीज तैयार हुई और आपने खरीदी कितने की, 1,85,000 की। तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 0, 0, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 6 और 1, यानी कि 16,500 रुपए आपने खरीदने के बाद उसमें लगाए, फिर 25% के लाभ पर 156,250 की वो चीज बेची गई। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 मीटर एंड 15 मीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज। तो यहां पर आपको पेरीमीटर स्क्वायर का और पेरीमीटर रेक्टेंगल का आपको बराबर दिया हुआ है। तो बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर आपका सम ऑफ ऑल साइड होता है, जो आपकी एक्सटर्नल साइड होती है किसी भी आपके डायग्राम की, किसी भी आपके पॉलीगन की, क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी आपका यहां पर फिगर हो उसकी आपकी जो भी एक्सटर्नल साइड्स होती हैं उनका सम आपका यहां पर पेरीमीटर होता है। तो यहां पर आपके स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और चारों बराबर होती हैं तो आपका पेरीमीटर 4a होता है। रेक्टेंगल में भी आपकी 4 साइड होती है जिसमें कि 2 साइड बराबर होती हैं तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 2l + b आपका हो जाएगा। तो अब ये आपको दोनों बराबर दिए हुए हैं तो आपको यहां पर 2 से इसको 2 बार काट लेना है, 2a और l और b आपको यहां पर 35 और 15 दिए हुए हैं जिनको आप जोड़ेंगे तो आपका यहां पर 50 आ जाएगा। 2 से ये चला गया 25 बार तो a आपका यहां पर 25 मीटर निकल कर आ गया, यानी कि आपको जो साइड दी हुई थी 35 और 15 दी हुई थी तो अगर इसको तोड़ मोड़ कर आपका स्क्वायर बना जाता तो स्क्वायर आपका यहां पर 25 मीटर की लेंथ का निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको दिखने में काफी छोटा लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 515 से कराएंगे, फिर 8 को कराएंगे, फिर 4 को कराएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देने का आपका कारण क्या था पेपर में वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, आपको यहां पर 515 दिया हुआ है और यहां पर आपको 485 दिया हुआ है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, a² - b² = a + b और a - b, ये आपकी यहां पर प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये कितना दिखाई दे रहा है, ये 515 है और ये आपका 500 से 15 ज्यादा है, यानी कि ये आपका 500 + 15 है, मल्टीप्लाई ये आपका 485 है और ये आपका 500 से 15 कम है, यानी कि आपका ये 500 माइनस का 15 हो गया। अब आपको सिर्फ कितना करना है, इसको आपको लिख देना है 500 का स्क्वायर माइनस आपका 15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आपको याद होंगे, अगर 500 का भी आपको याद ना हो कम से कम 5 का तो याद होगा। 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और जब 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो 20 फिर से 20 आपका आ जाएगा और आपका यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है। बस अब आप इसको सॉल्व कराएंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए आपका यहाँ पर 7 और फिर 9, 4 और ये आपका 24,000
249,775 आपका यहां पर आ गया। तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई देने का कारण इतना था कि आप इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज कर पाए। तो आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाकर क्वेश्चन में ये सोचना है कि ये क्वेश्चन आपका किस लिए दिया गया है। इससे पहले कि आप उसको मल्टीप्लाई करना सॉल्व करें, आप पहले उसे देखें कि ये आपको क्यों दिया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना जाता है और कितनी जल्दी आप यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सेल फोन वॉज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% वॉज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पर अब आपकी तीन चीजें यूज होंगी, एक आपकी सीपी, एक आपका एसपी और एक आपका एमपी। तो आपको यहां पर सेलफोन आपने मार्क किया 20% अबव ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आप मान के चले कि आपने कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, तो मार्क प्राइस आपने कितना कर दिया, 120 आपने मार्क प्राइस कर दिया। अब आपने इस मार्क प्राइस पर 10% की दी है छूट, तो इसका 10% आपका 12 हो जाएगा, यानी कि आपने यहां से माइनस का 12 कर दिया तो 108 आ गया। तो 108 रुपए में वो वस्तु आपने यहां पर बेची, तो 100 रुपए पर 8 रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि आपने 8% का प्रॉफिट यहां पर आपने कमाया है। तो सिर्फ इतनी सी चीज आपको यहां पर करनी थी, सीपी से पहले एमपी निकाला, एमपी से एसपी निकाला, सीपी एमपी एसपी को कंपेयर कर दिया और आपका प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर 1190 स्टार 6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। तो आपको यहां पर एक नंबर दिया हुआ है, नंबर है 1190 स्टार 6 और इसको आपको करना है डिविजिबल बाय 9। तो अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल हो सकता है। तो किसी भी नंबर को 9 से डिविजिबल होने के लिए उसके डिजिट का सम यहां पर आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, यहां पर आपका 9 और ये आपका 6 15 और 2 17 यहां पर आ रहा है। तो आप यहां पर 1 रखेंगे स्टार की जगह और आपका यहां पर 18 आ जाएगा और ये आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 रखा और ये आपका 9 से डिविजिबल हो गया, तो फिर आपको 9 प्लस और करना पड़ेगा आपको मैक्सिमम रखने के लिए, यानी कि आपको यहां पर 10 रखना पड़ता। लेकिन आप स्टार की जगह सिर्फ 1 डिजिट की यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, तो 1 डिजिट की वैल्यू यहां पर केवल आपकी 1 आएगी, ना कि आपकी 10। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां पर स्टार की जगह 1 आ जाएगी। तो सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन था, दिया हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नंबर ही यहां पर 1 है जिसको आप यहां पर रखेंगे, वरना आपको यहां पर 10 रखना पड़ता। 10 रखने के लिए आपकी 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, लेकिन यहां पर स्टार की जगह सिर्फ आप 1 डिजिट की वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज 69, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ द वन ऑफ द स्टूडेंट रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58, द एक्चुअल स्कोर इज। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आपको सिर्फ यहां पर कितना करना था, आपको यहां पर 30 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 69 दिया हुआ है और अब आपसे कहा गया एक स्टूडेंट के मार्क्स यहां पर 88 पढ़ लिए गए जबकि उसके एक्चुअल मार्क्स यहां पर 58 थे। तो कितने ज्यादा पढ़ लिए गए, 30 ज्यादा पढ़ लिए गए। अब ये 30 आपके जो है सभी में अगर बांटे जाते तो सभी को यहां पर एक एक फालतू मिल गया, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 यहां पर आपका 1 आ गया। तो एवरेज का मतलब ही यही होता है कि सभी को समान वैल्यू यहां पर मिलना। तो एवरेज अगर 30 स्टूडेंट का 69 है, तो यहां पर आप एक तरीके से मानने के चलेंगे कि सभी को यहां पर 69 वैल्यू मिली। लेकिन अगर इसको 88 मिली और 58 इसको मिलनी चाहिए थी, तो 30 ज्यादा हो गई, 30 को हमने 30 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, यानी कि आपको सभी के एवरेज में से 1 घटाना पड़ेगा। सभी की वैल्यू में से 1 घटेगा तो आपका एवरेज यहां पर 68 आ जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, यहां पर तो 1 वैल्यू दी हुई थी कि 1 वाले की इतनी गलती हो गई, 2 हो 3 हो, तो आप पहले ओरिजिनल निकाल लें
और वो एरर वाले निकाल लें, दोनों को आप घटा दें, तो जो अगर ओरिजिनल वाली आपकी ज्यादा है तो प्लस में आपका आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर ओरिजिनल यहाँ पर कम है तो एवरेज घट गया, ओरिजिनल अगर ज्यादा होता तो एवरेज आपका बढ़ जाता और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्व टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 8 माइनस 18 एक्स वाई। तो आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, आपको एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्व टू जीरो दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब माइनस का प्लस यहां पर कितना दिया हुआ है प्लस का 8 और माइनस का 18 एक्स वाई। तो आप यहां पर किस तरीके से निकालेंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहां पर निकालना क्या है, आपको यहां पर एक्स की क्यूब और 27 वाई क्यूब दिया हुआ है और यहां पर x प्लस 3y दिया हुआ है, यानी कि ये x की क्यूब और 3y की क्यूब आपको निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका आप क्या सोचेंगे, आपके पास x प्लस 3y इक्वल्स टू यहां पर माइनस का 2 आ गया। अब आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस y का होल क्यूब और यहां पर ले लेंगे दोनों साइड में होल क्यूब, तो ये आपने दोनों साइड होल क्यूब कर लिया, तो इसका आपका यहां पर कितना आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 27 वाई का क्यूब प्लस आपका यहां पर 3 इंटू एक्स इंटू 3y और आपकी जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 3y की माइनस 2 के बराबर दी हुई है, तो यहां पर आपका माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू में आपका माइनस का 8। यहां पर आपकी एक वैल्यू आती है x प्लस वाई, लेकिन उस x प्लस वाई की वैल्यू सबसे पहले आपको यहां पर x प्लस 3y दी हुई है और उस x प्लस 3y की वैल्यू यहां पर माइनस का 2 दिया हुआ है, तो आपका यहां पर कितना आ गया x प्लस x का क्यूब 27 y का क्यूब और ये आपका यहां पर कितना आ जाएगा 3 या 9 दुनी 18 माइनस का 18 एक्स वाई और इक्वल टू में आपका है माइनस का 8। अब आपकी ये वाली चीज तो यहां पर निकल कर आ गई x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस का 18 एक्स वाई, अगर आप दोनों जगह 8 प्लस कर दें तो आपका यहां पर जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपका 0 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपको माइनस 8 में से प्लस 8 को घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर यहां पर 0 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोचकर करना था कि आपको निकालना क्या है और आप क्या बनाकर इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 8 persons can finish a work in 20 days, after 5 days they work, they were requested to complete the work in the next 8 days, how many more persons should join the group to fulfill the requirement। तो यहां पर आपको 8 लोग दिए गए हैं जो कि आपका किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये 8 into 20 आपने कर लिया। अब आपका यहां पर क्या करा गया, 8 लोगों ने यहां पर काम करना शुरू करा और उन्होंने यहां पर 5 दिन तक काम करा, ये उन्होंने 5 दिन काम कर लिया। अब इनसे कहा गया कि आपको अगले 8 दिन में काम को खत्म करना है, यानी कि अब अगर आपको यहां पर अगले 8 दिन में काम को खत्म करना है, जो काम आपका बचे हुए 15 दिन में होता अब उसको 8 दिन में ही करना है, तो आपको यहां पर 8 प्लस कुछ आदमी लेने पड़ेंगे ताकि आपका काम टोटल 13 दिन में खत्म हो जाए। तो सिर्फ आपको अब सॉल्व करना है, यहां पर 8 दुनी 16 माइनस 8 पंजे 40 इक्वल्स टू आपका 8 प्लस एक्स इंटू में 8 और आपका यहां पर कितना आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स इंटू में 8, 8 से चला जाएगा 15 टाइम्स और आपका 8 प्लस एक्स और आपका एक्स यहां पर 7 निकल कर आ जाएगा, यानी कि अगर उस काम को आपको यहां पर करना होता टोटल 13 दिन में तो आपको 5 दिन बाद वहां पर 7 आदमी और देने पड़ते ताकि वो 15 आदमी मिलकर यहां पर उस बचे हुए काम को 8 दिन में सॉल्व कर देते। तो बस इतना सा आपको एक इक्वेशन बनानी थी कि 8 लोग 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, उन 8 लोगों ने 5 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम आपको 8 दिन में करवाना है, तो कितने आदमियों की ज्यादा जरूरत होगी, और इसको सॉल्व किया और 7 आदमी यहां पर निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 990 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:2 देन बी विल गेट। तो आपका यहां पर 3:4:2 में आपको 990 रुपए को बांटना है, तो आपका ये 4 × 3 = 7 9 की वैल्यू आपकी 990 और आपको B की वैल्यू बतानी थी, 1 की वैल्यू यहां पर 110 और 4 की वैल्यू यहां पर 440 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में करने लायक कुछ नहीं था, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप मेरे वीडियोज जाकर देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना
पढ़ाया हुआ है और आप इन क्वेश्चंस को बिना सॉल्व करे पेपर पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड, ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस टू मीट एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, इफ पी डी इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 30.6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो अब आपको यहां पर एक सर्कल बना लेना है। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद यहां पर आपको एक कॉर्ड दी हुई है। कॉर्ड आपकी यहां पर कितनी दी हुई है? कॉर्ड आपकी यहां पर सी डी दी हुई है, सी और डी। डायमीटर आपको यहां पर ए बी दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर है और ये आपकी मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड हो सकती है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सेंटर से गुजर सकती है। थोड़ी भी ऊपर नीचे होगी तो आपकी लेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए डायमीटर को आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है। अब आपके ये दोनों यहां पर आगे बढ़ाई गई, ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी है, तो मैंने मान लिया ये आपकी यहां पर इस तरीके से, और ये आपकी आगे जाकर यहां पर कहीं मिल गई। ये अब आपकी आगे जाकर मिल गई, तो अब आपको यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको यहां पर पीडी दिया हुआ है 15.3। पीडी आपका क्या लेंथ है? पीडी आपकी ये वाली लेंथ है 15.3। तो और आपकी नेक्स्ट क्या दी हुई है? सीडी 11.9। तो सीडी आपकी यहां पर 11.9 आपकी यहां पर दी गई है। अब आपको आगे एपी दिया हुआ है, तो एपी आपकी ये टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ आपकी 30.6 यहां पर हो गई। तो अब आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस आपकी यहां पर ये वाली दूरी हो जाएगी, ये आपकी यहां पर रेडियस है। तो अगर आप इस वाली लेंथ को भी निकाल लेते हैं, यानी कि डायमीटर निकाल लेते हैं, तो आप रेडियस आसानी से निकाल पाएंगे। उस डायमीटर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए, तो इसको हमने मान लिया एक्स। अब आप 30.6 में से x घटा देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, उस डायमीटर को आधा कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल कर आ जाएगी। तो यहां आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाती है? अगर आपके एक सर्कल में दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करें यहां पर P पर, और ये AB और CD यहां पर दिया हो, तो आपका यहां पर AP इंटू PB इक्वल्स टू आपका CP इंटू DP आपका हो जाएगा। तो अब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका P है, तो सारी लेंथ में आपका यहां पर P आ रहा है, तो ये आपका इंटरनली के लिए भी है, ये आपका एक्सटर्नली के लिए भी है। यानी कि जो अब आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व क्या करना है? AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू DP आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो ये आपको यहां पर सॉल्व करना है, तो AP आपको कितना दिया हुआ है? 30.6। BP आपने कितना मान लिया? BP आपने x मान लिया। CP आपको यहां पर कितना दिया हुआ है? CD और DP दोनों को जोड़ेंगे तो आपका CP आएगा, तो 11.9 प्लस 15.3 आपका यहां पर 9 × 3 = 12, और ये आपका यहां पर 7, और 27.2 यहां पर आपका आ गया, और DP आपको यहां पर 15.3 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। x इक्वल्स टू 27.2 इंटू 15.3 अपॉन में आपका कितना? 30.6। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाया और यहां पर एक पॉइंट हटाया, तो यहां पर 10 आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो ये 153 दिया हुआ है, इससे दो बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका यहां दो से ये 1, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, और x आपका यहां पर 13.6 निकल कर आ गया। अब ये वैल्यू आपकी 13.6 है और टोटल वैल्यू आपकी 30.6 है, तो 30.6 में से 13.6 घटाएंगे तो आपका यहां पर 17 निकल कर आ गया। ये टोटल वैल्यू 17 है, तो r आपका यहां पर 17/2 और 8.5 निकल कर आ जाएगा। यानी कि इतना आसान क्वेश्चन कि आपको सिर्फ यहां पर r निकालनी थी। सिर्फ आपको ये दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। फटाक से आप सर्कल बनाएंगे, एक पॉइंट बाहर बनाएंगे, इन लेंथ्स को लेंगे, और जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन का होगा वो ध्यान रखना है, आपका सभी के साथ आना चाहिए, ए बी पी बी पी सी पी और डी पी। अगर आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां से आपको पूरी डिस्टेंस लेनी थी, यहां से पूरी डिस्टेंस लेनी थी, फिर डीए वाली लेनी थी और ये वाली लेनी थी, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट ए ऑन इट।
ए बी इज अ कोट सच दैट बी ए क्यू एक्स डिग्री एक्स इज स्मॉलर देन 90, सी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी सच दैट एंगल ए सी बी इज वाई डिग्री, इफ ए बी ओ इज इक्वल टू 32 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया, ये आपका यहाँ पर एक सर्कल है जिस पर आपको एक टेंजेंट दी गई है, टेंजेंट आपकी यहाँ पर पी ए क्यू दी गई है, ये आपकी पी, ये ए और ये आपकी यहाँ पर क्यू हो गई। उसके बाद आपसे कहा गया है ए बी इज अ कोट सच दैट बी ए क्यू इज एक्स डिग्री और एक्स आपका 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि आप अगर इधर को इसको ए बी को कोड बना देंगे तो आपका ये बी ए क्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और इसमें आपको पहले ही कहा गया है कि आपका जो यहाँ पर बी ए क्यू होगा वो आपका 90 से छोटा होगा। आपको पता है कि जब आप सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस डालते हैं तो ये आपकी 90 डिग्री की होती है, तो ये दूरी आपको यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी। तो आपको इतना ध्यान रखना था कि आपकी ये वैल्यू 90 डिग्री है और आपको बी ए क्यू 90 डिग्री से छोटा बनाना है, यानी कि एक्स डिग्री का आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये आपका एक्स डिग्री हो गया। अब जो आपसे कहा गया है यहाँ पर सी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क सच दैट ए सी बी इज वाई डिग्री, आपकी ये वाली जो बनकर आई ये आपकी एक स्मॉल आर्क बनकर आई और बची हुई आपकी यहाँ पर मेजर आर्क बनकर आई। और आपसे कहा गया सी आपका यहाँ पर मेजर आर्क पर पॉइंट है क्योंकि आपका ए सी और बी आपका यहाँ पर वाई डिग्री दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर सी आपका वाई डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ए बी ओ 32 डिग्री दिया हुआ है। ए बी ओ यानी कि आपको सेंटर से भी एक पॉइंट लेकर जाना है, तो ये आपका आ गया ए बी ओ यानी कि ये वाला और ये आपका 32 डिग्री है। अब आपको यहां पर क्या करना है, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस, और एक क्वेश्चन मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का कराया है जिसमें आपकी दो साइड जब बराबर होती है तो उनके नीचे वाले दोनों एंगल आपके यहां पर बराबर हो जाते हैं। तो ये 32 तो ये भी 32 और आपका ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो 32 32 64 यानी कि 180 माइनस का 64 यहां पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर 116 डिग्री हो गया। अब ये आपका 116 डिग्री हो गया और आपको क्या बताना है, आपको x प्लस वाई बताना है। अब आपका एक एंगल यहां पर 116 डिग्री है और आपको अब एक और बात यहां पर क्या ध्यान रखनी है कि आपके एक ही कोण पर जब एक एंगल सेंटर पे बना हो और दूसरा सर्कमफेरेंस पर बना हो तो सेंटर वाला एंगल आपका सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है, यानी कि आपका यहां पर y डिग्री कितना निकल कर आएगा, y डिग्री 116 बटे 2 और ये आपका 58 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी दूसरी बात, पहली बात आपकी ये r वाली जिससे आपने एंगल निकाला, दूसरी बात आपका सर्कमफेरेंस का एंगल आधा होता है सेंटर के एंगल पे जब दोनों ही आपके एक ही कोण से बनाए जाते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी है, ये आपका सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट है और यहां पर आपका ये पॉइंट दिया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला एंगल आपने अगर एक्स माना है तो ये वाला एंगल आपका x हो जाएगा और ये वाला एंगल अगर आपने y माना है तो ये वाला एंगल आपका यहाँ पर y हो जाएगा, यानी कि ये एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो जब आपका ये वाला एंगल आपका y डिग्री है और ये वाला आपका x डिग्री है तो x बराबर y और y की वैल्यू आपकी 58, तो यहाँ पर आपको x प्लस y निकालना था तो 2y मानकर चलेंगे तो 2 × 58 आपका 116 डिग्री निकल कर आ गया। तो यहां पर आपको तीन प्रॉपर्टी लगाई, सबसे पहले आपने ये एंगल निकाल लिया क्योंकि आपके दो एंगल बराबर हैं, फिर आपने ये वाला एंगल निकाला, फिर आपने देखा कि y डिग्री और x डिग्री आपका दोनों बराबर हैं तो आपका यहां पर 116 डिग्री निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में तीन प्रॉपर्टी यूज हुई और तीनों को यूज करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन में इतना ही। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न्स पर क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना अर्थमेटिक पढ़ रहे थे लेकिन उसको हमने बीच में रोक दिया क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम है और मिक्स्ड प्रैक्टिस यहाँ पर करनी शुरू कर दी है,
क्योंकि अभी तक मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा था और एडवांस आपका पूरी तरीके से बचा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही कवर होगा, और बीच बीच में क्वेश्चंस में मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे सेशंस को देख सकते हैं। लास्ट टू सेशन मैं पहले ले चुका हूँ, ये हमारा तीसरा सेशन था, और आगे भी एग्जाम तक ऐसे सेशन चलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।